लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देवगण
पुष्प वर्षा करते हैं। पार्वती निष्ठापूर्वक तपस्या द्वारा आदर्श प्रस्तुत कर शिवाज्ञा अनुसार जया और विजया के साथ हिमालय महल में प्रवेश करती है। राजकुमारी पार्वती पधार रही है। आ गई तो जैसे इस राजभवन में और हमारे जीवन में पुनः प्रकाश लौट आया है। माते, आप प्रसन्न हैं अथवा दुखी हैं? प्रयत्न तो मैं प्रसन्न होने का कर रही हूँ, पर भावावेश में मन भर आया है। बेटी, ये प्रसन्नता के आंसू हैं। बहुत दिनों बाद देख रही हूँ ना तुझे। अब बस करो महारानी, भविष्य में अपनी पुत्री को देने के लिए कुछ तो ममत्व और वात्सल्य शेष रखो। माँ के मन में ममता का महासागर होता है स्वामी, और सागर कभी रिक्त नहीं होता। हाँ महारानी, सत्य कहते। पार्वती, तुम और तुम्हारी दोनों सखियां अत्यंत प्रसन्न दिख रही हो। तीनों को प्रसन्न देखकर हम दोनों प्रसन्न हैं। बात ही प्रसन्नता की है महारानी। पार्वती कितने समय से कितना कठोर तप कर रही थी, आज उसकी तपस्या सफल हो गई। सत्य कह रही हो? हाँ महाराज, स्वयं भगवान शिव ने पार्वती की शिव भक्ति की परीक्षा ली और विवाह की स्वीकृति भी प्रदान की। अब किसी भी समय पार्वती की विवाह के लिए उनका संदेश आ सकता है। यदि उनका संदेश आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। आपका श्री, हमारी प्यारी बहन का विवाह है, ये तो बहुत प्रसन्नता का विषय है। ननक, ये तुम? हाँ पिताश्री। जया विजया, जाओ अपनी सखी को ले जाओ और इसे राजसी वस्त्रों से सजा दो। जाओ पुत्री। तिहारी। जी महाराज। हाँ मंत्री को बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, पार्वती की अनुपस्थिति हम सब के लिए असहनीय है। आज उसके लौट आने से मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। महाराज की जय हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? हाँ मंत्री, हमारी पुत्री पार्वती अपनी तपस्या पूर्ण करके लौट आई है। हम चाहते हैं इस उपलक्ष्य में हमारे समस्त राज्य में एक उत्सव का आयोजन किया जाए। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। माताश्री, इस प्रसन्नता के सुअवसर पर आप इतनी अप्रसन्न और चिंतित क्यों हैं? मुझे चिंता है अपनी पुत्री की। जिस मनोरथ को प्राप्त करने के लिए उसने इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप, क्या उसके पूर्ण हो जाने पर वो उस कैलाशवासी भभूतधारी वैरागी शिव के साथ प्रसन्न रह सकेगी? आपकी चिंता निराधार है माँ, आप इस चिंता को भूल जाइए। हमें तो पार्वती के सुख में ही अपना सुख ढूंढ लेना चाहिए। और आप निश्चिंत रहे, हमें पूरा विश्वास है कि ये निर्णय पार्वती के भले में ही है। हाँ महारानी, अपने पुत्र की बात मानकर अपनी पुत्री के विषय में सोचो। कितने समय पश्चात हमारी पुत्री लौट कर आई है। इन सुखद क्षणों को व्यर्थ नष्ट मत करो महारानी। आओ हम सब मिलकर हर्षोल्लास मनाएं।
महाराज हिमालय राज की जय। दयानिधि गौ रक्षक प्रतिपालक महाराज हिमालय राज की जय। महारानी मैना देवी की जय। महाराज हिमालय राज और महारानी मैना देवी की लाडली सुपुत्री कुमारी पार्वती की जय। महाराज हिमालय राज और महारानी मैना देवी की लाडली सुपुत्री कुमारी पार्वती की जय। राज राजेश्वरी 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 कुमारी पार्वती की जय। प्रिय सभासद, राज्य के अधिकारियों एवं माननीय अतिथिगण, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी पुत्री पार्वती एक अंतराल के पश्चात अपना धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करके लौटी। इसी उपलक्ष में हमने इस हर्षोल्लास के कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमें आशा है कि आप सभी शुभ चिंतकों के आशीर्वाद व कामना से हमारी पुत्री का अनुष्ठान फलीभूत हो जाए। इस हर्षोल्लास की बेला में हमने नृत्य, गान एवं स्वांग का आयोजन किया है। हमें निस्संदेह आशा है ये सभी कार्यक्रम आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। प्रजापालक हिमालय राज की जय। बोलो जय। राज राजेश्वरी मैना रानी की जय। बोलो जय। प्रजा प्रिय युवराज मैना की जय। बोलो जय। प्रिय दर्शीय राजकुमारी पार्वती की जय। जय। पुत्री के अनुष्ठान से हर्षित होकर आपने सभी को इस हर्षोत्सव में सम्मिलित किया। मैंने भी सोचा इस हर्षोत्सव में भागीदार बनकर आप सभी को हर्षित करूं। कौन हो तुम? मैं हूं एक नटखट नट, जगत कहे जिसे ब्रह्म भट्ट। नट से बन जाऊं मैं नटेश्वर, जगत माने इसे परमेश्वर। ऐसा अद्भुत हूं मैं नट, जिसका नाम लेकर झटपट तो पाप शीघ्र जाए कट। ऐसा हूं मैं नटों का नट। कहां से आए हो तुम? आया हूं कहां से मैं? आया हूं वहां से मैं, धरती अंबर जहां मिले, पुष्प पुण्य के जहां खिले, चहूं और सब धवल धवल, नीर पवन निर्जल निर्मल। बस वहीं से आया हूं मैं, शुभकामनाएं भी लाया हूं मैं। सुंदर, अति सुंदर, तुम्हारी भाषा में प्रभाव भी है और प्रवाह। यदि नट का परिचय इतना अद्भुत है तो उसका संपूर्ण चरित्र और भी महान होगा। महान? महान तो केवल महादेव है, सभी देवों के परम देव हैं। मैं तो केवल नटराज हूं, स्वांग से भरा हुआ आज हूं। तुम महादेव के भक्त भी हो। महादेव का भी और महादेवी का भी। राजकुमारी पार्वती तो साक्षात महादेवी है। सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से कैसा सुंदर रूप निखर आया है। सलोने मुख पर खिलते फूलों से मुस्कुराया, माथे पर नागिन सी बल खाती लक, काली तिरछी बौहें जैसे भौरे लेते करो। बाकी चितवन जिसे देख खेल उठे मन।
मानो उमड़े हो काले घन। कितना भव्य है ये सांस सवर और कितनी सुंदर है ये बंठन। ए नट, अपनी सीमा और मर्यादा में रह। शान राजकुमार मैनाक राज, क्रोध नहीं है भला काज, हर्षोल्लास का दिन है आज। नाचो गाओ बजाओ साथ, अन्यथा गिर जाएगी तुम्हारी लाज। अरे ओ नट, तुझे उचित अनुचित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। महारानी जी, मैंने अनुचित क्या कहा? मैं तो एक नट हूँ, स्वांग भरता हूँ, शब्दों के चित्र बनाता हूँ। यदि फिर भी आपकी दृष्टि से मैंने कुछ अपराध किया हो तो क्षमा करो इस नट को। क्यों राजकुमारी पार्वती जी, अब आप ही कहें, मुझसे क्या कोई दृष्टता हुई? आपने मेरा रूप देखा ना, नट का रूप। मैंने भी तो आपका रूप देखा, महादेवी का रूप। जो मैंने देखा वो कहा, अब आप भी वही कहें जो आपने देखा। क्यों, मैंने क्या कुछ अनुचित कहा? अनुचित तो ना मैं करता हूं ना देखता हूं, और जो देखते करते हैं उन्हें दंड भी देता हूं। नहीं नहीं, दंड दिखाता हूं। क्षमा करें युवराज, मैंने ऐसा वैसा तो कुछ कहा नहीं। मैं तो केवल एक नट हूं, स्वान भरता हूं। अच्छा तो नटराज, ये तो बताओ कि तुम किस किस का स्वांग भर लेते? कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी कुछ भी बनता, कभी पत्थर कभी पर्वत, तो कभी भक्तों में रमता हूं। अच्छा, इतने सारे रूप भर लेते हो? यूं तो है मेरे रूप बने, फिर भी मैं हूं केवल एक। क्रोध करूं तो महाराज हूं, शांत रहूं तो ओमकार हूं। ये सब प्राणी चित्र है मेरे, और मैं इनका चित्रकार। नटराज, तुम अद्भुत उत्तम रूपकार, चित्रकार और कलाकार। तुमने हम सभी को अपनी शब्द चित्रकारी और वाणी कौशल से प्रसन्न किया है। तुमने हम सबका मनोरंजन किया है। तुम पुरस्कार के अधिकारी हो, हम भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे। जी महाराज। नहीं, यह भी नहीं। तुम्हें ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो चाहिए जो अनमोल। तो क्या हाथी घोड़े हीरे जवाहरात चाहिए तुम्हें? नहीं, पद अधिकार प्रतिष्ठा चाहिए तुम्हें? नहीं महाराज, नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो चाहिए जो आपको सबसे अधिक प्रिय है। अरे वाचाल, मुझे सबसे प्रिय तो मेरी पुत्री पार्वती है। आपकी वही प्रिय और सुंदर पुत्री पार्वती मुझे चाहिए। पापी, अधर्मी, तेरा ये तो साहस परिणाम जानता है अपनी दृष्टता का। मैं तुझे जीवित धरती में गड़वा दूंगी।
हम तुम्हें भूखे शेरों के सामने डलवा देंगे। ये कहां का न्याय और नीति? अरे अधम, लाज नहीं आती तुझे न्याय और नीति की बातें करते हुए? लाज कैसी? स्वयं महाराज ने अभी भी कहा कि मैंने सबको प्रसन्न किया, वे मुझे प्रसन्न करेंगे। पर कहा, यहाँ तो सब मिलकर मेरे प्राण लेना चाहते हैं। जब मैंने आप सबको प्रसन्न किया तो मुझे भी प्रसन्न किया जाना चाहिए। तो क्या एक नट को प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी पुत्री देनी होगी? अन्य और कुछ भी मांगो, हम तो तुम्हें प्रसन्न करना चाहते ही हैं। नहीं, और कुछ नहीं, मुझे तो केवल राजकुमारी पार्वती चाहिए। मैं तो इसे पाकर ही प्रसन्न होऊंगा। निःशब्द हो जाओ आचार्य, सैनिकों बंदी बना लो इस दूत को। शाला में प्राण रूपी वीणा का मैं चेतना पूर्ण सप्तक तार हूं। मैं ओंकार हूं। तपस्या पूर्ण एवं सफल होने पर जब पार्वती सखियों सहित लौटकर हिमालय भवन में आई तो मैना और हिमालय राज की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। पार्वती को शिव ने दर्शन दिए और विवाह के लिए अपनी स्वीकृति भी, तो ये सुनकर हिमालय राज प्रसन्न हुए, किंतु मैना चिंतित हो गई। मैनाक और हिमालय राज उसे समझाने का प्रयत्न करने लगे। पुत्री के सफल लौटने की प्रसन्नता में हिमालय राज महामंत्री को बुलाकर नृत्य गान और स्वांग का आयोजन करने का आदेश देते हैं। इस भव्य उत्सव में शिव स्वांगी का रूप धारण कर सभी को अपनी वाणी, विलास और अद्भुत अभिनय से प्रसन्न करते हैं। मैनाक, हिमालय राज और मैना अत्यधिक प्रभावित होते हैं, किंतु पार्वती उस स्वांगी भेष में भी शिव को पहचान लेती है। स्वांगी के अभिनय कौशल से प्रसन्न होकर जब मैना और हिमालय राज उसे धन वैभव से पुरस्कृत करना चाहते हैं तो वो पुरस्कार में उनकी सर्वप्रिय पुत्री पार्वती की मांग कर बैठते हैं। मैं तो इसे पाकर ही प्रसन्न होऊंगा। निःशब्द हो जाओ आचार्य, सैनिकों बंदी बना लो इस दूत को। हाथ लौटाना शुभ नहीं होता, इसका परिणाम भी शुभ नहीं होगा। पुनः विचार कर ले हिमालय राज। विचार हो चुका, करना
हमारा कर्तव्य है। ये भली भांति जानते हुए भी आपने नटराज का अपमान किया। ये कोई सामान्य नट नहीं थे, स्वयं त्रिलोकीनाथ नटेश्वर शिव शंकर थे। नहीं, वो नट शिव शंकर स्वयं थे, मैं नहीं मानती, कदापि नहीं मानती। मैंने भोले शंकर को देखा है, ये भूत पिशाच या कोई मायावी था, ये शिव शंकर हो ही नहीं सकते। मैं तो स्वयं असमंजस में एक बहुरूपिया और कैलाशपति। हमारे भोलेनाथ कैलाशवासी का तो रूप ही निराला है। अरे नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। अरे भगवान भोलेनाथ कहाँ है? आसन तो रिक्त है। पधारिए देवराज, पधारे देवगण और पधारे देवऋषि। और कितना पधारे नंदी महाराज, पधार गए हमें जितना पधारना था, लाभ क्या हुआ? नारायण नारायण, हम सब जिनके लिए यहाँ पधारे हैं वो तो कहीं और पधारे हुए हैं। अब आप ही बताओ, हो सके तो भगवान भोलेनाथ कहाँ पधारे हैं? ये तो केवल भोलेनाथ ही जाने, और कोई नहीं बता सकता। कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा नंदी महाराज कि भोलेनाथ को ही पता नहीं कि भोलेनाथ कहाँ है, है ना? ऐसा तो नहीं होता है देवीशी। हाँ, संभवता हुआ हो। आप कभी पूछना भोलेनाथ से। पूछूंगा? ये प्रश्न मैं पूछूं? आपसे मेरी कोई शत्रुता है देवीशी? मैंने तो आपका कोई अहित भी नहीं किया, आनंद से दिन बिता रहा हूँ। आपके मुख से नारायण का जाप सुनता हूँ, अपने मुख से ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, ये सब आपसे क्या देखा नहीं जाता? अच्छा नंदी, ये तो बताओ कि देवेश्वर गए कब हैं और लौटेंगे कब? क्या बताएं? एकाएक भोलेनाथ अदृश्य हो गए हैं। कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, कब लौटेंगे, इस विषय में मेरा ज्ञान तो शून्य हो गया। नंदी, तुम हमारे साथ रहकर भी हमारे स्वभाव से परिचित नहीं हो। हम तो सदैव यहीं रहते, कभी कहीं नहीं जाते। नारद, आज तो दल बल के साथ आए हो, कहो क्या प्रयोजन लेकर आए हो? भगवान, कैसा दल और कैसा प्रयोजन। नारद, तुम्हारे होठों की फैलती मुस्कुराहट बता रही कि अब तुम्हारी लीलाओं का भी फैलाव अवश्य होगा। प्रभु स्मरण, चित्त प्रसन्नता, लोक कल्याण और होठों पर मुस्कान, यही तो जीवन है प्रभु नारद का। हे त्रिकालदर्शी, तो बात रह जाती है प्रयोजन की। तो प्रभु, मूल विषय यह है कि सब उत्कंठित है ये जानने के लिए, हाँ इन सभी देवगण में मैं भी हूं। हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि अब आपके विवाह में विलंब क्यों हो रहा है। हाँ देवेश्वर, सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। स्वयं आपने पार्वती की परीक्षा लेकर विवाह की स्वीकृति प्रदान की, तो अब विलंब का क्या कारण है? विलंब का कारण तो पार्वती के माता पिता ही जाने। हम तो पार्वती को दिए वचन अनुसार हिमालय भवन में उनकी पुत्री का हाथ और साथ मांगने गए थे, किंतु महाराज और महारानी ने हमारी मांग को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया? ये कैसे संभव है? हिमालय राज परम ज्ञानी है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमें चलकर उनसे चर्चा करनी होगी। पर हिमालय राज इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि उनकी पुत्री देवी पार्वती का विवाह
आपके अतिरिक्त किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। फिर भला उन्होंने ऐसा विरुद्ध आचरण क्यों किया? अब इस विषय में हम क्या कहें, ये तो वही जाने। पर हमने जो कुछ कहा वो अक्षरशः सत्य है। अब आप स्वयं विचार कर लें और जो करना है वो अवश्य करें। मैं तो हिमालय राज का जमाता बनने के लिए तत्पर हूं। देवराज, हमें शीघ्र ही चलकर हिमालय राज को समझाना होगा। हाँ देवर्षि, अब तो यही एकमात्र उपाय और मार्ग है। हे त्रिकालदर्शी, हमें आज्ञा दे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नारायण नारायण। आप, स्वागत है आपका। देवराज आपका भी स्वागत है। आए देवगण आए, आप सभी का स्वागत है। सब कुशल मंगल है ना हिमालय राज? विधाता की असीम कृपा है देवर्षि, आप सभी पुण्य आत्माओं के दर्शन लाभ से मन प्रसन्न हो। सभी के मन को प्रसन्न करने का कार्य तो हमारा है ही हिमालय राज, किंतु हमारे मन को प्रसन्न करने वाला यहाँ कोई नहीं। इसके विपरीत हमारे मन को अप्रसन्न करने वाले से ही हमारी भेंट हो जाती है। ना कहें देवर्षि, आप आज्ञा तो करें। आपको किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है? नारायण नारायण, अर्थात आप अप्रसन्न करने के पश्चात प्रसन्न करते हैं। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया देवर्षि। आपने भगवान शिव को द्वार से लौटा दिया हिमालय राज। भगवान शिव को द्वार से लौटा दिया? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? देवराज, इंद्र सत्य ही कह रहे हैं हिमालय राज। मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी, शिव पार्वती विवाह समीप आ रहा है। इसीलिए भगवान शिव जब आपके द्वार पर आपकी पुत्री का हाथ मांगने हेतु आए थे तो आपने उन्हें खाली हाथ लौटा दी। ये आपने उचित नहीं किया हिमालय राज। हाँ हाँ देवर्षि, एक नट अवश्य आया था। वो कभी परम पिता ब्रह्मा का रूप धारण कर लेता था तो कभी भगवान विष्णु का, और उसने शिव का रूप धारण कभी नहीं किया। वो नट था देवऋषि, शिव नहीं थे। भला शिव को नट का रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है? और देवऋषि, यदि भगवान शिव ने हमारी पुत्री का हाथ मांगा होता तो हम अवश्य विचार करते, पर एक नट के अनुचित आचरण को हम कैसे सहन कर सकते? नारायण नारायण, अर्थात भगवान भोलेनाथ अपनी लीला दिखा आ गए। भगवान शिव नटवन कराए थे? अब सारी स्थिति स्पष्ट हो रही है। शिव जी ने जो कहा वो सत्य नहीं था। सत्य भी नहीं था, उन्होंने तो बताया ही नहीं कि वे यहाँ नटवन कर आए थे। उचित है, नटवन कर आए थे, परंतु आए तो थे। हिमालय राज, आप शिवलीलाएं नहीं समझ पाए, इसके लिए दोष किसे दे? यदि समझ जाते तो कुशल ही कुशल होता। परंतु देवर्षि, अब क्या होगा? अब नारायण नारायण, हिमालय राज को स्वयं भगवान भोलेनाथ के पास जाकर उन्हें मनाना होगा। यदि समय रहते ऐसा नहीं हुआ तो अनर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। हाँ हिमालय राज, आप सावधान रहें और स्थिति को अपने नियंत्रण में रखें, और ये तभी होगा जब आप शिव जी को मना लें। हिमालय राज, अब हमें आज्ञा दें। नारायण नारायण। देवऋषि नारद और देवराज इंद्र के कथनानुसार भगवान शिव ही नट के रूप में आए थे। यदि शीघ्र समस्या का हल न किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो प्रश्न ये है कि भोलेनाथ का अपमान करने के पश्चात मैं किस प्रकार से उन्हें समझा पाऊंगा कि वे पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें? इस दुविधा का क्या हल हो सकता है? क्या हल हो सकता है? स्वामी, किस दुविधा में है? दुविधा ये है महारानी कि भगवान शिव हमारे यहाँ आए थे नट के रूप में, हमने उन्हें पहचाना भी नहीं और अपशब्द भी कहे। तो
इसमें दुविधा कैसी? यदि हम उन्हें पहचान नहीं सके तो इसमें हमारा क्या दोष है? है महारानी, है। भगवान शिव ने बार बार संकेत किया कि मैं शिव हूँ, ब्रह्म भट्ट हूँ, नटेश्वर हूँ। जगत मुझे परमात्मा के रूप में जानता है। मेरे नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कैलाश पर्वत का भी वर्णन किया जहां वे निवास करते हैं। भक्तों में रम जाने वाला भी कहा अपने आप को, एक रूप वाला ओंकार भी कहा, पर हम फिर भी नहीं उन्हें पहचाने। सारा सारा दोष हमारा ही है रानी। अब इस दोष का निवारण कैसे होगा? हमें शीघ्र ही पार्वती का विवाह भगवान शिव से करना होगा। पार्वती का विवाह शिव से? उस भगवतधारी, शमशान विहारी, सर्पधारी शिव से? रानी, एक ही भूल को दूसरी बार करने की भूल करोगी तो हमारा जीवन भी भूल बनकर रह जाएगा। विवाह की तैयारियां करो महारानी। किंतु परंतु की नैया कभी किसी किनारे नहीं लगती है मैना रानी। मैंने निश्चय कर लिया है कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से ही होगा। नानावराज महाबली तारकासुर की जय। आओ गुप्तचर, हमें तुम पर गर्व है। तुम नित नए समाचार और सूचनाएं लेकर आते हो। कहो आज का समाचार लेकर आए हो। महाबली, आज का समाचार तो विशेष है ही, पर अशुभ भी है। गुप्तचर, इस सिंहासन पर बैठकर हमें अशुभ समाचार सुनने का अभ्यास हो चुका है। कहो क्या कहते हो? हिमालय राज ने पार्वती का विवाह शिव के साथ करने का निश्चय कर लिया है। पार्वती, 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 इसी पार्वती ने अपने तप की ज्वाला शक्ति से हमें स्वर्ग से बहिष्कृत किया और अपने चमत्कार से हमारे सेनापति और सैनिकों को जला डाला। हम उसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे। पर महाबली, हम पार्वती से प्रतिशोध कैसे ले सकेंगे? वह हिमालय भवन के सुरक्षित स्थान में रहती है जहाँ चारों ओर ऋषि मुनियों का वास है। हम सारे हिमालय राज्य को ही समाप्त कर देंगे। महाबली की जय हो। आज्ञा करें स्वामी। सेनापति भद्रासुर, हमें शीघ्र ही हिमालय राज्य पर आक्रमण करना है और वहां तोड़फोड़ कर पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट करना है। तोड़फोड़? तोड़फोड़ क्यों महाबली? हमारे सेनापति होकर मूर्खों की भांति भ्रष्ट करते हो। तोड़फोड़, नष्ट भ्रष्ट करना हमारा स्वभाव है, हमारे जीवन का ढंग है, हमारे उद्देश्य का अंग है, क्योंकि हम दानव हैं। ऐसे प्रश्न मानव करते हैं। दानव नहीं, जाओ आक्रमण की तैयारी करो। जो आज्ञा स्वामी। दैत्यराज महाबली तारकासुर की जय। दैत्यराज महाबली तारकासुर की जय। दैत्यराज महाबली तारकासुर की जय। सबको, कोई भी हो, ऋषि यमुनि, अंत कर दो इन सबका। Ha 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 ha
नमः शिवाय।